जी हाँ, तो बात आपकी सही है कि एम्प्लॉयबिलिटी और कितने लोग योग्य हैं उस जॉब के, तो इस पर भी एक डेटा है हमारे पास और वो भी देखना ज़रूरी है। आई थिंक ये Naukri.com का ही एक सर्वे था और वो सर्वे जो कहता है वो नंबर्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से नंबर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंडिया स्किल रिपोर्ट थी 2023 की है, लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा, या कंप्यूटर साइंस जो बहुत ज़्यादा इन डिमांड ब्रांचेज है, वहाँ पर भी 40% स्टूडेंट ऐसे निकल रहे थे जो एम्प्लॉयबल, जो रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको मीट नहीं कर रहे थे। सिर्फ 65-62 ऐसा परसेंटेज आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ये 60 के आसपास था, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 58% थे, मतलब वहाँ भी 40% से ऊपर लोग हैं जो कि वो एम्प्लॉयमेंट क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे हैं, और फिर ऐसे बाकी के ब्रांचेस फॉलो कर रहे हैं। तो सुनील साहब, दिक्कत यही है क्या कि हम नंबर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तो बहुत निकाल रहे हैं, लेकिन अगेन क्वालिफिकेशन या स्किल के जो लेवल है वो उतने ऊपर नहीं है, और जिस बात को अभी बालासुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो असली समस्या है। नहीं, मुझे वो नहीं लग रहा कि एक्चुअली जब हम आईआईटी की बात करते हैं तो यहाँ पे स्किल में कोई बहुत ज्यादा गैप है। हमारी आईआईटी जो जो टॉप नहीं, आईआईटीज हम मैं है थोड़ा वो इसका शायद, विस्तार कर देता हूँ। हाँ मतलब आईआईटी से तो हमने एक एग्जांपल उठाया क्योंकि वो खबरों में रहा पिछले वक्त में, कुछ दिनों में, लेकिन ओवरऑल अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात करूँ। देखिए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सबसे जो आज के डेट में नीड ऑफ द आवर क्या है कि आपको समय के साथ बढ़ना पड़ेगा। इन द सेंस टेक्नोलॉजी चेंज होती है, डिमांड एक्सपेक्टेशंस, मार्केट का ट्रेंड चेंज होता है, हर दिन एक नई चीज आती है। अगर आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, चाहे वो शायद मैकेनिकल या सिविल थोड़ा स्लो मूव करता है, बट अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, बहुत जल्दी जल्दी अपग्रेड होता है। तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उस अपग्रेड के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, बच्चों को उसके लाइक करेंट मार्केट सिनेरियो के लाइक बनाने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, मार्केट में अगर ओवरऑल देखें तो डिमांड हमेशा है और रही है। यस, करेंट सिनेरियो जो है पिछले 2-3-4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो डिमांड थोड़ी स्लगस हुई है, उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट है। क्योंकि अगर आप बड़े देशों में भी जाए, जहां पे कि अमेरिका जैसे देश में जाए, वहां पे आपको 90%+ जो आईटी में काम करने वाले लोग होंगे वो भारत के मिलेंगे। वहां अगर आप लिंक्डइन पे भी सर्च करेंगे, कोई भी स्किल डाल के देखेंगे तो भारत के लोग मिलेंगे। और वहां कंसिस्टेंटली डिमांड है, वहां पे कम से कम 10-15 लाख इंजीनियर्स हैं जो वहां रह के काम कर रहे हैं, और यहाँ रह के जो सपोर्ट दे रहे हैं वो तो लाखों में है, जो ये सारी कंपनीज इंप्लॉय कर रखी है। तो मुझे ये लगता है कि अभी हम एजुकेशन सिस्टम तो हमें पता है कि कहाँ पे गैप है, अभी मोर ज्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि इंडस्ट्री क्या चाहती है और इंडस्ट्री उसके लिए क्या इनिशिएटिव ले। क्योंकि देखिए, एजुकेशन सिस्टम तो एक एक मोनोटाइप है, जहां पे कि उन्होंने बता दिया कि 4 साल की डिग्री है, पहले साल में ये पढ़ाएंगे, दूसरे साल में ये, तीसरे चौथे साल में आपको बच्चे दे देंगे। उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडस्ट्री के साथ टाइप किया, उनके स्पेसिफिक कुछ उन्होंने कोर्सेस करवाए, कुछ इंटर्नशिप करवाया उसके लिए। मुझे लगता है कि OJT ऑन जॉब ट्रेनिंग बहुत जरूरी है आज के डेट में, अगर हम कुछ मेजर रिमैप नहीं भी कर सकते एजुकेशन सिस्टम का। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है, एक तो जो बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है उसको पता चलता है कि वो जो कर रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको कितना यूज कर पाएगा या इंडस्ट्री की डिमांड क्या है। और कंपनी को भी लगता है कि ठीक है, मुझे अगर अपने लायक कुछ लोग चाहिए तैयार करने के लिए तो मैं उसको शायद कॉलेज डे से अगर प्लानिंग शुरू कर दूं तो उनकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं रहेगी, बट डेफिनेटली एक ट्रेनिंग कोर्स, करिकुलम, कंटेंट, उसका थोड़ा सा एक एफर्ट लगेगा। तो कोई भी चीज ओवरनाइट तो डेवलप नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हैं इतने सारे, डिमांड और सप्लाई में गैप है, तो आज के डेट में इंजीनियर्स को सेल्स का काम भी करना पड़ रहा है, वो हर तरह के फील्ड में जा रहे हैं। वो एक इंजीनियरिंग एक टेक्निकल डिग्री नहीं होके एक जनरल डिग्री हो गई है, जनरल डिग्री की तरह ट्रीट होने लग गई है। और उसमें जिन बच्चों को स्पेसिफिक सेगमेंट में जॉब मिल जाती है वो चले जाते हैं, जिनको नहीं मिलती, बहुतों को बहुत अच्छी भी मिलती है, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलते। वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस का भी शायद क्राइटेरिया वर्क नहीं करता है। हमारे पास तो रोज आते हैं, हम देखते हैं एप्लीकेशन 5 साल 10 साल के बाद, बहुत से नॉर्मल कॉलेज से पास आउट हुए बच्चे की सैलरी 60 लाख 70 लाख पहुंच जाती है। वो अपने डे टू डे लाइफ में, अपने वर्किंग स्टाइल में कितना काम किया, क्या किया, कैसे ग्रो किया, उस पर डिपेंड करता है। लार्ज जी इंस्टीट्यूशंस जो जो भी हैं वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, वो ये मान के चलते हैं कि आप लाखों में से कुछ हजार हैं जो आप चुन के गए हैं उस इंस्टीट्यूशन में, तो आपका जो बेसिक IQ या EQ जो भी है वो सब दूसरों से कंपेरेटिवली अच्छा होगा। तो
तो वो आपको एक स्पेस मिलता है, ठीक है। बट अल्टीमेटली जब ऑन द जॉब आपको तो काम करना ही पड़ेगा अपने लिए, क्रेडिबिलिटी अर्न करने के लिए और कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा, पिछले 2-3 सालों में मोस्टली जो बड़े इंस्टीट्यूशन के बच्चे थे वो जॉब लेते ही नहीं थे, उस सबको स्टार्टअप ओपन करना होता था अपना, स्पेशली IIT की बात करें, वहां हर कोई बच्चा, मुझे तो कंपनीज का नाम पता है जिनको की प्लेसमेंट के लिए स्लॉट नहीं मिलता था IIT में, वो बोलते थे स्लॉट ही नहीं मिल रहा है, वो बोल रहे नहीं हमारे पास स्लॉट फुल हो चुका है, हम नहीं दे सकते स्लॉट, और बच्चे वहां ऑफर लेके डिक्लाइन कर देते थे क्योंकि उन सबको स्टार्टअप करना होता था। तो ये सर मार्केट सिनेरियो का भी है, करंट सिनेरियो डेफिनेटली मार्केट सिनेरियो काफी डिपेंड करता है, हम एक ही बार में कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हैं। निखिल जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले ये डेटा एक बार फिर से बताता हूं कि एक जो ट्रेंड दिखाई दिया, जो डेटा हमें दिख रहा है, और ये ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन से डेटा हमने लिया कि जो हमने 2000 अराउंड टिल 2010 देखा था, पिछले 7 साल की बात करें तो जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन है उनमें 9% की कमी आई है। 2014-15 में मैंने एनरोलमेंट का नंबर बताया था, 17% जो टोटल ओवरऑल ग्रेजुएट थे वो उसका 17% इंजीनियरिंग में जा रहे थे, लेकिन वो नंबर घट के 2021 में 12% पर आ गया। तो क्या लोगों का भी इसमें रुझान कम हुआ? एंड सेकेंडली अभी जो सुनील साहब ने बात कही वहीं से कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं भी, मैं IITs को छोड़ देता हूं या टॉप जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, चलिए उनको भी इसमें से निकाल दें, लेकिन उसके अलावा जो ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, चाहे वो प्राइवेट लेवल पर हों या इवन गवर्नमेंट भी हो, उनमें एजुकेशन की क्वालिटी वक्त के साथ जो चेंज आने चाहिए, क्या वो वहाँ वो पेस है या वो करिकुलम में बदलाव है या फिर बस एक सिलेबस है जो पढ़ा दिया और आपको एक डिग्री मिल गई? देखिए आपका सवाल बहुत ही डीप सवाल पूछा है आपने कि करिकुलम में भारत में उतने चेंजेस, इतनी जल्दी चेंजेस क्यों नहीं आते जितना ग्लोबल चेंजेस आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, कई बार आपको इंस्टीट्यूशन लेवल पे अप्रूवल होते हैं, कई बार आपको सरकार के लेवल पे अप्रूवल होते हैं। अभी जैसे अब ये इलेक्शन का टाइम चल रहा है, इलेक्शन के तुरंत बाद हम लोगों को उम्मीद है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरी तरह से जो सरकार ने अनाउंस करी है उसका फ्रेमवर्क अनाउंस होगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक बहुत बड़ा चीज आने वाली है जिसके अंदर रिसर्च और एक्शन रिसर्च पार्ट बन जाएगा करिकुलम का, तो इनकी वजह से आपको कंस्टेंट चेंजेस दिखाई देंगे अगले कुछ सालों में। अभी बहुत बड़ा एजुकेशन में फेरबदल आने वाला है, उसमें सरकार ऑलरेडी काम कर रही है, IITs भी काम कर रहे हैं, वो आपको चेंज आएगा। आपने जो सवाल पूछा कि एब्सोल्यूट नंबर कि क्या इंजीनियरिंग में कम हुए हैं, अगर आप देखें कि परसेंटेज वाइज मुझे अभी मैं कह नहीं सकता, पर अगर आप देखें कि अगर टोटल नंबर ऑफ JEE पार्टिसिपेंट कितने बढ़ रहे हैं वो आप देखेंगे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर अनदर थिंग व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ पिछले 4-5 सालों के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा खुलनी शुरू हो गई। अगर स्टार्टअप की आप बात करें तो भारत आज तीसरा बड़ा स्टार्टअप नेशन है, करीब 1.5 लाख के ऊपर DPIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, 5 साल पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आज की तारीख में अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट भी हैं और अगर आप में पैशन है कुछ करने का, चाहे फोटोग्राफी कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक कर रहे हैं, चाहे आप कुछ खाना बनाना जानते हैं, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुलनी शुरू हो गई जो कि पहले नहीं थी। तो आज स्टूडेंट्स को यह भी लगने लगा कि जरूरी नहीं है, जैसे मैं हमारे घर में हमेशा से बात हुई जब हम पढ़ रहे थे कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, लेकिन आज वही घर है, हमारे बच्चे वो बात नहीं करते, ना तो हम पुश करते हैं इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो, वो अपनी कोई इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है, कोई एस्ट्रोनॉमी देखना चाहता है अलग अलग, और इसे एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। तो वो बदलाव भारतीय माइंडसेट में, पेरेंट्स के माइंडसेट में आया। तो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर क्वालिफिकेशन एक एब्सोल्यूट क्वालिफिकेशन और सेफ नेट, सेफ्टी नेट जिसको बोलते हैं, उससे बाहर निकलकर हम लोगों ने अलाउ किया अपने बच्चों को कि आप जाके कुछ और भी चीजें परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी आप नॉर्मल लाइफस्टाइल और अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। जर्नलिज्म की बात करें, अब इतने सारे चैनल, इतनी सारे कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, अगर आप जर्नलिज्म के जॉब्स की बात करें, जर्नलिज्म की जॉब अपॉर्चुनिटी भी पिछले 5-7-10 साल के अंदर इमेंसली ग्रो हुई, जो कि पहले सेक्टर था ही नहीं, एक बहुत छोटा सेक्टर था। तो अगर आप देखेंगे कि बल्कि इस बात की मुझे खुशी है कि एक भारतीय माइंडसेट में बदलाव आया है कि हमें सारे बच्चों को इंजीनियर नहीं बनाना। कई बार हम पुश करते थे बच्चों को कि चाहे कुछ हो जाए तुम इंजीनियर बनना है, कैसे भी बन जाओ बनना है, चाहे डोनेशन देके बनो, चाहे कैसे बनो, इंजीनियर बन जाओ। अगर आप थोड़ा सा अगर आप याद करें 3 इडियट की बात, कि उसको फोटोग्राफर बनना था उसको इंजीनियर बना दिया, अगर क्या वो फोटोग्राफर बन के ज्यादा अच्छा काम कर सकता था? लेकिन साहब सही कह रहे हैं, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है।
मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद आपकी इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि ठीक है, अच्छी बात है कि आपने साइंस या मैथ्स का स्ट्रीम लिया, बहुत सारे लोग लेते हैं क्योंकि वो पढ़ने से नो डाउट आपके ब्रेन की डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होती, तो अगर वो ले रहे हैं तो इंजीनियरिंग एकमात्र आखिरी रास्ता नहीं है, और भी बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। क्या एवेन्यूज़ वो हो सकते हैं और क्या एवेन्यूज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए, ये नहीं कि इंजीनियरिंग नहीं हो पा रहा इसलिए ये कर लें, इंजीनियरिंग हटाओ हमें यही करना है, इस तरह की जो अप्रोच है शायद वो ज़रूरी है, और वो क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं छोटी सी बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।